हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो दोनों स्पीड और वेलोसिटी बताते तो रेट ऑफ फास्टनेस या स्लोनेस ऑफ मोशन ही है, और बताने का जो तरीका होता है वो अलग है। स्पीड उसी चीज को डिस्टेंस के टर्म में बताता है और वेलोसिटी उसी चीज को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बताती है। अब स्पीड जब डिस्टेंस के टर्म में बताता है फास्टनेस और स्लोनेस, तो स्पीड का मतलब होता है कि हमने व्हाट इज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम रखी है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है स्पीड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल डिस्प्लेस क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल की पोजिशन बदल रही है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ पोजिशन। तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज वेल एज वेलोसिटी हम अल्टरनेटिवली बोल सकते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी और बहुत सारी बुक्स में डिफिनेशन ही मिले, वेलोसिटी की डिफिनेशन अगर आपको कहीं पे आए तो आप सीधे ये बोलो वेलोसिटी इज जो डिफिनेशन है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए होता क्या है कि जब हम टाइम इंटरवल बड़ा रखते हैं तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज ये वर्ड जो होता है वो बड़े टाइम इंटरवल के लिए होता है। जैसे एससी वर्मा में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, क्रिकेट मैच हो रहा है और हमसे रन रेट पूछी जाए। अब 20 ओवर का मैच हुआ और 200 रन बने, तो हमसे अगर रन रेट पूछी जाएगी तो हम बोलेंगे 200 रन्स अपॉन 20 ओवर्स, तो ये 10 की रन रेट है, 10 रन्स पर ओवर। अब जरूरत है ना कि हर ओवर में उतने ही रन बने हो, किसी में हो सकता है कि कम बने हो, किसी में हो सकता है ज्यादा बने हो। तो जो एवरेज रन रेट होता है उसको किसी ओवर की रन रेट के साथ इंस्टेंटेनियस या मोमेंटरी रन रेट के साथ इक्वल होना जरूरी नहीं है। एवरेज एक तरीके से ओवरऑल फिनोमेना बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है वो लखनऊ से कानपुर जा रहा है और उसने 2 घंटे में टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस 120 बाय टोटल टाइम 2 आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर की ये एवरेज स्पीड आएगी। लेकिन जरूरी तो है ना कि बंदा हर समय 60 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा हो सकता है कि जब वो रास्ते में जब उसने गाड़ी स्टार्ट की हो तो बहुत स्लो हो, जब वो निकल रहा हो लखनऊ सिटी से तो ट्रैफिक ज्यादा हो तो स्पीड कम हो, हाईवे पकड़ा हो तो स्पीड उसने 100 या 120 तक ले गया हो, फिर वो जब सिटी में अंदर गया हो कानपुर में तो स्पीड कम हो गई हो। तो ये एवरेज किसी मोमेंट की नहीं देता। अगर हमें किसी मोमेंट की इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट को बिलोंग करने वाली, किसी मोमेंट की या किसी इंस्टेंट की अगर हमें स्पीड या वेलोसिटी चाहिए तो हमें एक टर्म यूज करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप कार चला रहे हो, जैसे आप मैं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूँ 60 किलोमीटर पर आर की, आप कार चलाते हो किसी मोमेंट की देखने के लिए क्या करते हो, स्पीडोमीटर यूज करते हो। स्पीडोमीटर आपका घटता बढ़ता रहता है, वो आपको बता देगा कि आपका पॉइंटर उस समय किस क्या बता रहा है वैल्यू। लेकिन देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी मोमेंट का भी मतलब क्या है। टाइम एक ऐसी चीज होती है जो रुकती नहीं। जैसे मान लीजिए मैं उससे पूछा जाए मोशन हुआ 2 आवर का, आप एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू 1 आवर वाले मोमेंट पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो कार की, तो ऐसा तो है नहीं कि टी इज इक्वल टू 1 आवर पे टाइम आके रुक गया था, वो तो आगे बढ़ता रहता है। तो हम लोगों को क्या है कि जब भी कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होती तो आप एक तरीके से समझिए कि हम इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहे हैं। अब इसे क्रिकेट के मैच में मुझे इंस्टेंटेनियस रेट पूछा था तो मैं 20 ओवर के बजाय इंटरवल छोटा करके 10 ओवर से 5 ओवर और प्रिसाइज होने के लिए 1 ओवर और प्रिसाइज होने के लिए मैं 3 बॉल का बताता था, 3 बॉल से मैं 2 बॉल, लास्ट जो बिल्कुल बेसिक यूनिट हो जाती 1 बॉल में कितने रन बने, तो मैं बिल्कुल उस मोमेंट में कितने रन बने मैं बता सकता। हमें इंटरवल छोटा करना पड़ता है एवरेज से इंस्टेंटेनियस आने के लिए, हमें इंटरवल छोटा करना पड़ता है। कितना छोटा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल छोटा हो सके। तो इसके लिए हमें एक टर्म यूज करते हैं कि हम बोलते हैं कि जो हमारा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, इट मस्ट बी कैप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल और इट मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो। जब बहुत टाइम इंटरवल बहुत छोटा होने लगता है, जब टाइम इंटरवल हम बहुत छोटा रख देते हैं, तो हम उस छोटे से टाइम इंटरवल को डिफरेंशियल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल टाइम। डेल्टा टी जो होता है वो बड़े टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं, डिफरेंशियल टाइम के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं डीटी, यूज करते हैं डीटी। डेल्टा टी भी टाइम इंटरवल बताता है, डीटी भी टाइम इंटरवल बताता है, बट डेल्टा टी बताता है एवरेज टाइम इंटरवल और डीटी बताता है डिफरेंशियल टाइम। डिफरेंशियल टाइम का मतलब ही होता है कैसा टाइम जो कि टेंडिंग टू जीरो हो, वेरी स्मॉल टाइम। और ये बहुत जरूरी है अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो मान लीजिए जैसे एक पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक्स एक्सिस है,
पार्टिकल चला x1 से x2, x1 इनिशियल पोजीशन, x2 फाइनल पोजीशन। मुझसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूंगा x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मुझसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो बोलूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब आते हैं अभी की जो हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, है तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होगी जहां पे टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो लिया जा रहा है। जब हम टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो लेंगे तो ये जो डेल्टा टी है वो नीचे बन जाएगा डीटी। अब छोटे टाइम इंटरवल में पार्टिकल को बहुत ज्यादा डिस्टेंस होना चल जाएगा, तो जिसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे थे वो डेल्टा एक्स भी इस छोटे से टाइम इंटरवल में घट के डीएक्स लिखा जाएगा, डिफरेंशियल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। डेल्टा टी बन चुका है इस समय डीटी और डेल्टा एक्स बन चुका है डीएक्स। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी एक और डेफिनेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टू जीरो। तो जो हम काम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से कर रहे थे, डेल्टा एक्स की जगह रिप्लेस करके लिखेंगे डीएक्स, डेल्टा टी की जगह लिखेंगे डीटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी बन जाएगी डीएक्स अपॉन डीटी। अब ये एक्स में ऐसा कुछ खास नहीं है, एक्स एक्सिस थी, पार्टिकल की पोजीशन एक्स से लिखी थी, इसलिए डीएक्स अपॉन डीटी लिख रहे हैं। वाई में होती तो शायद डीवाई बाई डीटी होती, जेड में होता तो शायद डीजेड अपॉन डीटी होती। तो हम समझ गए एवरेज वेलोसिटी, अगर हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर उसके लिए कहीं पे लिखना है एवरेज वेलोसिटी, तो हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो डीएक्स अपॉन डीटी लिखेंगे, क्योंकि डीएक्स अपॉन डीटी ऐसे डीएक्स और डीटी को डिवाइड करके नहीं निकलेगा, ये डीएक्स अपॉन डीटी अभी मैथमेटिकल प्रोसीजर बन चुका है। क्योंकि बहुत छोटा डीएक्स और बहुत छोटा डीटी ले डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि बहुत छोटा है, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम लोग निकालते हैं एक्स को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां से डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना। देखिए हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या हुआ? देखिए जब पार्टिकल कहीं पे चल रहा, जैसे कवर्ड पाथ पे भी चल रहा, तो एवरेज में तो समझ में आता कि पार्टिकल यहां से यहां तक चला तो एवरेज के लिए आप ले लेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे इनिशियल टू फाइनल। बट बहुत छोटे से इंटरवल में क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बहुत छोटे हैं और दोनों जो होंगे उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होंगे, दोनों टेंजेंट के अलॉन्ग होंगे। पहले बात है कि टेंजेंट की डायरेक्शन ले लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा और डायरेक्शन नहीं लेंगे तो वो डिस्टेंस देगा। तो देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में जरूर डिफरेंस होता था, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखते थे, बट जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, सिवाय इसके कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है और इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम लोग एक सिंबल मॉड अगर लगा दे तो सारी कहानी सुलझ जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अगर किसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 4 मीटर पर सेकंड है, पर अगर उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -4 होती तब भी वहां पे स्पीड 4 मीटर पर सेकंड ही होती। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है अगर हम इंस्टेंटेनियस लें तो, क्या लें? इंस्टेंटेनियस। तो एक लाइन और बता देता हूं तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीएक्स अपॉन डीटी निकालते कैसे हैं? तो एक तो है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके निकालो, और दूसरा है कि अगर हम एक्सटी ग्राफ बनाए तो डिफरेंशिएशन जैसी चीजें ग्राफ में स्लोप बताती हैं। वेलोसिटी एक्सटी कर्व की पोजीशन टाइम कर्व की स्लोप होती है, वेलोसिटी पोजीशन टाइम कर्व की क्या होती है? स्लोप। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम इंटरवल छोटा करते हैं और अपने आप डिस्प्लेसमेंट तो छोटे हो जाते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग डीएक्स अपॉन डीटी। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, बाकी डायरेक्शन का डिफरेंस तो हो गया क्योंकि एक वेक्टर और एक स्केलर। थैंक यू।